यार पहली बात तो इसका अपील जरा देखिए आप, इसके कलर्स देखिए, जरा मेरा प्रेजेंटेशन देखिए, अप्रिशिएट करिए प्लीज। Hey guys, welcome back. My name is Mohita and I make food and book related videos on this channel. And today, incidentally, I'm doing both at once. I'm going to cook misal while at the same time I'm also going to plug in this audiobook that I have been listening to. Oh, Face ID. So I've been listening to this audiobook called The Lies of Locke Lamora, and I have reached at a very interesting point in the book. So I want to read a little bit, listen to this book a little bit more while rummaging through my drawers and actually checking what all masale I have to proceed with the misal. तो मैंने कुछ हफ्ते पहले, एक हफ्ते पहले मिसल की एक फ़ोटो डाली थी इंस्टाग्राम पे, और यू गाइस वर लाइक अरे ये कैसे बनाई बताओ, तो हम लाइक ठीक है चलो यही कर लेते हैं आज के दिन। वैसे यहाँ पे मेरे पास ये स्प्राउट्स है, दिस इज अ मिक्स ऑफ मूंग एंड मोट। आई ऑल्सो नीड टू क्लियर द प्लेटफॉर्म अ लिटिल बिट। ओके, लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू ऑल द स्पाइसेस दैट आई एम गोइंग टू पुट इन द मिसल। अब ये मिसल कोल्हापुरी है, नाशिक की है, पुणे की है, आई डोंट नो। दिस इज़ अ मोहिता स्पेशल मिसल एंड दिस इज ऑल्सो अ लॉकडाउन स्पेशल मिसल। जो भी चीज़ें अवेलेबल है उसके आज बनाने वाले हैं। लेट्स सी वॉट ऑल आई हैव कलेक्टेड। आई हैव अ स्टार अनीस, अ बे लीफ, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ धनिया, थोड़े से तिल भी है मेरे पास, ये नीचे जो पड़ी है वो खसखस है। देन वॉट एल्स आई हैव सम दालचीनी and oh yeah, I also have some fennel seeds by the way. Oh, there's one more thing that I have inside, these are the methi seeds. अब इसमें मुझे एक और चीज़ चाहिए जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, उसे ढूंढते हैं। अब ये शायद मेरा पर्सनल ओपिनियन हो सकता है, बट मिसल तब तक मिसल नहीं बन सकती जब तक आपके पास ये ड्राई कोकोनट नहीं है। एंड दिस वन मोर थिंग दैट आई रिक्वायर, आई हैव टू ओपन द फ्रिज फॉर दैट, लेट्स गो। सो आई नीड दीज, आई एम गोइंग टू ऐड दिस ऑल्सो इनटू दिस। 4 ड्राई रेड चिलीज शुड बी गुड टू गो। ओके, सो दैट इज ऑल ऑफ माई ड्राई मसाला रेडी। आई हैव टू ड्राई रोस्ट दिस मिक्सचर फॉर मे बी 1 or 2 मिनट्स। अच्छा, ये जब तक ड्राई रोस्ट हो रहे हैं, ऑन अ कम्प्लीटली सेपरेट नोट, ये जो टिकटॉक और यूट्यूब कॉन्ट्रोवर्सी के बीच में जो क्रिएटर्स फंसे हैं, मुझे सिर्फ एक ही सवाल उनसे करना है, सब टिकटॉक तो है ना? ओके, दिस इज गुड इनफ। आई एम टर्निंग द फ्लेम ऑफ। आई एम गोइंग टू टेक द बे लीफ ऑफ, दिस इज नॉट समथिंग दैट आई एम गोइंग टू ग्राइंड, एंड आई एम गोइंग टू यूज दिस अगेन फॉर द करी। बट इसमें और दो चीज़ें जाने वाली है, वन इज 8 to 10 क्लोव्स ऑफ गार्लिक एंड सेकेंड इज ए टाइनी पीस ऑफ जिंजर। गार्लिक। By the way, while I'm peeling my garlic, I'm going to go back to my audiobook. I'm going to listen to The Lies of Locke Lamora. That's how the narrator says it, Lamora. Okay, so the thing is, a little bit information about the app that I'm using for the audiobooks that I'm listening to. This app is called Storytel, and I have been using this app for the past 1 year, and I must have finished at least 30 books with this app. It also has ebooks, and I have left in the description box a link for you guys कि आप क्या कर सकते हैं। वो लिंक पे अगर आप जाते हैं तो आपको 30 डेज के लिए ये ऐप फ्री में ट्राई करने मिलेगा, और आप जितने चाहे ऑडियो बुक सुन सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। टू दिस आई एम गोइंग टू ऐड दिस टीनी टाइनी पीस ऑफ जिंजर एंड हाउ मेनी आर दीज, 7 to 8 गार्लिक क्लोव्स, एंड नाउ लेट अस डू द डेली ग्राइंड बेबी। Let me check. A little bit more. Oh, that smell. It's divine. And it's done. Okay, moving on. Let's make the misal. I'm getting so hungry, you know. अच्छा, अभी ना ये कढ़ाई को मैं वापस आग लगा रही हूँ। मतलब लाइटर खराब हो चल रहा है, खूब पेड़ लाते हैं। कटिंग द रूट, वैसे लास्ट टाइम मुझे किसी ने कमेंट्स में बताया था कि अगर आप अनियन का रूट नहीं निकालते तो आंखों से पानी नहीं आएगा, बट मेरे आंखों से फिर भी पानी आया। कढ़ाई में डालते हैं थोड़ा सा तेल। मिसल के लिए मैं बहुत ज़्यादा तेल नहीं डालती, आई डू यूज़ मे बी जस्ट अ लिटिल बिट मोर देन फॉर रेगुलर उसल और लाइक अ रेगुलर करी,
बट दैट्स इट. मतलब बहुत ज़्यादा तेल डालने की मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं होती है, बिकॉज वो जो कोकोनट यूज़ करते हैं ना, वो कोकोनट जब फ्राई होने लगेगा अलॉन्ग विद द अनियंस, तो अपना एक तेल छोड़ेगा और वो जो ऊपर की तर्री आती है वो उससे बहुत अच्छी डेवलप होती है. सो आई पर्सनली डोंट थिंक कि बहुत ज़्यादा तेल की ज़रूरत होती है. इनटू दिस आई एम गोइंग टू ऐड सम जीरा, सम हल्दी, सम हींग. आई एम गोइंग टू ऐड some of that red chili powder into the oil right now, because this is going to render a beautiful red brown color to the curry. Look at that color developing on the onion. Check this out. That is beautiful. Flame low pe hai, dhakkan rakha hua hai. Time for some good knowledge to be passed on to you guys. सो आप लोग जो बुक्स पढ़ते हैं, बुक्स पढ़ना चाहते हैं, काफ़ी लोगों ने मुझसे रीच आउट करके ये पूछा है कि मैं हाउ एम आई कंटिन्यूइंग दिस हैबिट इवन इन द लॉकडाउन, बिकॉज ना तो बुक्स हम ऑर्डर कर पा रहे हैं, ना लाइब्रेरी जा पा रहे हैं. सो हाउ डू वी एक्सेस ई बुक्स और ऑडियो बुक्स? दिस इज़ माई आंसर फॉर दैट क्वेश्चन. द ऐप कॉल्ड स्टोरी टेल. द ऐप ऑल्सो हैज़ हिंदी एंड मराठी बुक्स एंड अ फ्यू अदर रीजनल लैंग्वेज बुक्स एज वेल. एक और फीचर है इसका जो मैं बहुत यूज़ करती हूँ, स्पेशली वन आई एम लिसनिंग टू नॉन फिक्शन बुक्स दैट आर वेरी वेरी स्लो समटाइम्स. I speed up the book. So, जैसे आप YouTube में स्पीड अप करके वीडियोज़ देखते हैं, एग्जैक्टली उसी तरह से स्पीड अप या स्पीड स्लो करके आप बुक्स सुन भी सकते हैं. Now, in addition to this 30-day free trial, there is also a contest that Storytel is holding. What you have to do is download Storytel, try the free trial, click a photo of yourself listening to this audiobook, tag me on Instagram. My Instagram handle is Mohita Namjoshi, same as my YouTube channel. Also, do not forget to tag Storytel India in the same photo, and some of you are likely to get 3 months of Storytel at no cost. पर्सनली फॉर मी दिस ऐप हैज़ कम एज अ बून. एक तो क्या हुआ है, क्वारंटीन में हाउस चोर्स बहुत बढ़ गए हैं, तो जहाँ पे भी दिमाग का काम नहीं है और हाथों का काम है सिर्फ, वहाँ पे मैं प्लग इन करती हूँ अपने ईयरफोन, स्टोरीटेल ऑन करती हूँ, कोई ना कोई ऑडियो बुक सुनती हूँ और मेरा दिन बन जाता है. ऑलराइट, द प्याज इज नाउ ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट रेडी. चेक इट आउट. यस, इट इज सॉफ्टन्ड, इट इज कुक्ड डाउन. इट स्मेल्स अमेजिंग. बहुत स्पाइसी स्मेल कर रहा है ये. मेरे ख्याल से मेरा जितना इंटेंशन था उससे थोड़ा ज़्यादा स्पाइसी होने वाला है. लेट्स सी. इनटू दिस आई एम गोइंग टू ऐड दिस हाफ अ टमाटर एंड एट दिस पॉइंट आई एम आल्सो गोइंग टू ऐड दैट मसाला दैट आई जस्ट प्रिपेयर. तो ये है मेरा मिसल मसाला. या ओके, दैट इज व्हाट इट लुक्स लाइक. Oh, you just have to be here to believe it when I say that this smells so fantastic, so fantastic. And I'm going to just use maybe 1 spoonful or 2 spoonfuls of this masala. And the rest, I'm going to store it in the refrigerator for next time use. Yeah, I think this much is going to be good enough. Kya hai na, ye jo mix banaya hai, wo bahut intense hai flavor mein. So, bahut zyada main use nahi karne wali usko. And again, allow this to cook for another 15 minutes. This time, I've put the flame on medium high. It's getting hotter and hotter with every passing moment. Okay, after 15 long minutes, the pyaz and tamatar ka jo masala hai, along with the misal masala, everything has reached a stage where I want it to reach. It is time to add my mixture of sprouts. The moong and the mungi. I'm going to mix this for a little bit, and before adding the water in this, I'm actually going to allow it to steam for a little bit, just like that, maybe just for a minute. Is it ironic that I'm wearing this t-shirt during the entire coronavirus issue? वैसे ये सिर्फ मराठी लोगों को समझ में आएगा. चलो देखते हैं. 1-2 मिनट हो गए हैं, इसको मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था. Now I'm going to fill this up with water. काफ़ी सारा पानी जाएगा इसमें, और अब इसे ना मैं हाई फ्लेम पे पकाऊंगी. यस, सी यू कैन ऑलरेडी सी दैट तर्री फॉर्मिंग ये साइड पे. अब जितना ज़्यादा ये उबलेगा उतना ज़्यादा ऊपर उसकी वो तर्री आएगी. इसको रख देते हैं 20 मिनट के लिए, अच्छा खासा पकने के लिए. सो द मटकी एंड मूंग मिक्सचर हैज़ कुक्ड 90% ऑफ द वे. So at this point, I am going to add some salt. Not some salt, like all of the salt, whatever is required. Okay, this is the kind of curry that I wanted to achieve and I have achieved it. Chalo, check karte hain ki ye shijya hai ya nahi shijya hai. Press this lightly between my 2 fingers and yeah, it's done.
It's time to eat. It's time to eat. Bringing the misal to the dining table. चलो इसे करते हैं असेंबल और खाना शुरू करते हैं. Two ladle fulls of this, maybe a little bit more. Oh gosh, I'm ravenous right now, like ravenous. बहुत onions पसंद है हम दोनों को. थोड़ा सा टमाटर. टमाटर इतना ज़्यादा नहीं, वो तो समझ में आता ही होगा. थोड़ा सा coriander. Time to put some पर्सन इन देट. जस्ट लाइक अ लिटिल बिट ऑफ अनियन, मे बी वन और टू टाइनी पीसेस ऑफ टमाटर एंड सम कोरिएंडर. यार पहली बात तो इसका अपील ज़रा देखिए आप, इसके कलर्स देखिए, ज़रा मेरा प्रेजेंटेशन देखिए, अप्रिशिएट करिए प्लीज़. I'm a pat myself on the back. This is a money maker. So good. You know what? Let me just try a little bit of the misal itself without like a whole lot of the farsan and everything. नहीं तो पता चला farsan tasty है, misal नहीं. Let's see. उतना confidence है लेकिन मुझे अपने पे. This is so good. Everything is so good. वैसे आप तो इसे पाव के साथ खा सकते हैं. As I said, did I say that? I don't remember. But as I said, we like to just have the misal by itself. I am going to finish this off. I am going to call my poor husband over for lunch because he is waiting. He is also equally hungry. And I will see you again next time with yet another food video. Until next time. Bye.